ये मदरबोर्ड सैमसंग की 32 इंच की स्मार्ट टीवी की है। इसमें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर दिखा दें। इसमें जो इंडिकेटर आता है तो कभी कभी जब अगर इंडिकेटर आएगा तो ये जो है सेट चलेगा और कुछ देर चलने के बाद ये सेट बंद भी हो जाता है। फिलहाल इसमें क्या फॉल्ट है अभी हम आपको दिखाते हैं और कैसे इसे टेस्ट आउट करेंगे इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे इसको सप्लाई दे दिए। अब हम ऑन करते हैं और यहाँ पर देखें जो इंडिकेटर होता है इसका, हम इसको यहाँ से निकाल दें जिससे क्लियर दिखे। ये LED जलेगी स्टैंड बाई वाली तो आपको दिखेगा। देखिए ऑन करते हैं, हम ऑन किए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले यानी LED का नहीं शो हुआ। अब दिखा दें वोल्टेज, ये DC के रेंज पे इसको रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव प्रॉब लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज। ट्वेल्व वोल्ट ठीक है, ये मिल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट भी शो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो जैसे हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो उस हायर वाले मदरबोर्ड में बताया था कि कैसे इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, तो चलिए उसी की तरह इसको भी हम चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखें जैसे ये ग्राउंड का, ये ग्राउंड पे ये प्रॉब लगाएंगे नेगेटिव वाला और यहाँ पे जो है हम इसका जो सेंसर का है ये 3.3 वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं एक मिनट, ये जो यहाँ पे है पॉइंट, एक मिनट दिखा दें आपको पहले जहाँ पे चेक करना है हमको। देखिए ऐसे बोर्ड को पलट लेते हैं और पलटने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लें। अब यहाँ पर देखें ये नेगेटिव प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3A और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट B। ये का मतलब कि यहाँ सबसे पहले बनना चाहिए जब हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है ठीक है, यही वोल्ट यहाँ भी जाता है सेंसर पे भी। अब नेक्स्ट ये बी, ये इसके बाद बनेगा, पहले ए फिर उसके बाद बी बनेगा ठीक है, फिर अदर सप्लाई जो है जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनाने के लिए देखते हैं, इसको निकाल देते हैं सप्लाई। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि अब यहाँ पे दिखा दें ये जो है ये BCC ठीक है। अभी ऐसे अगर यहाँ मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे ए पे ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यूटी कहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक, इसका मतलब ये पॉइंट है। अब यहाँ से टेस्ट आउट करते हैं 3.3 के लिए, सॉरी ये वाला है ठीक।
अब ये 3.3 वोल्ट ये रेगुलेटर काम नहीं करता। अब इसको इनपुट जो है 5 वोल्ट यहाँ से मिलना चाहिए। तो ये देखिए इसका जो है इस पिन पे जो है आना चाहिए। देखिए यहाँ तक आ रहा है सप्लाई और यहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये रेगुलेटर ख़राब है। अब यहाँ पे हम एक बक कन्वर्टर यूज़ करते हैं और यहाँ पे 3.3 वोल्ट का जम्पर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है इस बक कन्वर्टर को लगा दिया 3.3 वोल्ट के लिए और वो हो गया बीसीसी वाले सप्लाई पे। अभी दिखाते हैं, देखिए हम आपको कंफर्म करा दें। यहाँ पे ऐसे ये कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं और यहाँ से हम जो है ऐसे प्रॉब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगाकर ऐसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा है, ठीक। ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे भी ये सप्लाई जाती है, इसको हम सप्लाई लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई देते हैं और इसके बाद स्टैंड बाय लाइट देखिए। ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट जल गई और यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसके वोल्टेज को हम टेस्ट आउट कराते हैं। पहले तो पैनल के वोल्टेज को देख लें, तो पैनल का वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम ऑफ करके दिखाते हैं, ये इसका रिमोट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए स्टैंड बाई लाइट जल गई, ठीक है, अब ऑफ हो गया। अब इस समय यहाँ पर देखेंगे तो पैनल का वोल्टेज नहीं शो करेगा, देखिए नहीं शो हो रहा है शायद, एक मिनट, वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैनल जुड़ा नहीं है। तो ये क्या है कि अब यहाँ पे जो जो सप्लाई बन रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड बाई कंडीशन में कौन सी सप्लाई है, यहाँ पे चेक करा दें स्टैंड बाई कंडीशन में। अब ये पैनल की सप्लाई यहाँ पे जो है 7 आस्ते आस्ते डिस्चार्ज हो रहा है, ये सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कराते हैं कि ये है 5 वोल्ट, ये स्टैंड बाई कंडीशन में दिखा रहे हैं हम। इसके बाद एक है ये 3.3 वोल्ट जो बी है और ए है यहाँ पे ये इसके जगह पे, तो ये 3.3 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद आता है कोर सप्लाई, तो कोर का वोल्टेज यहाँ पर दिखा दें, देखिए 1 वोल्ट आ गया कोर वोल्टेज, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लगा कर रखेंगे और दिखाते हैं,
अब देखो रिमोट से इसको देखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्टैंड बाई हुआ, ये देखिए थोड़ी देर बाद ये आएगा जाएगा, क्योंकि इस समय जो है इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसे हम ऑन करते हैं। अब ऑन करने के बाद यहाँ जो वोल्टेज है, जो जो इस पिन के आईसी के वोल्टेज है, उसे हम चेक कराते हैं यहाँ पे कि देखो इसका वोल्टेज जो है, देखिए इसका वोल्टेज जो 1.1 वोल्ट है, ये इसका इनपुट वोल्टेज, और अदर जो पिनों की वोल्टेज है उसे भी मल्टीमीटर पर देखें। इस आईसी के वोल्टेज को यहाँ से देखें, जैसे पिन नंबर एक पे है, तो पिन नंबर एक पे इसका जो वोल्टेज है ये 4.8 वोल्ट, फिर दो नंबर पे 3.2 वोल्ट, फिर तीन नंबर पे यहाँ पे 12.85 वोल्ट, फिर इसके बाद एक ग्राउंड हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। अब ये है इसका पाँच नंबर पिन, यानी फाइव नंबर पिन पे ये 5.4 वोल्ट, फिर ये सिक्स नंबर पे यहाँ पर देखेंगे तो 5.1 वोल्ट, फिर इसके बाद सेवन नंबर पिन पे देखेंगे तो 0.92, फिर एट नंबर पिन पे देखेंगे सबसे आखिरी में तो यहाँ पे 0.60, ठीक। ये है इसकी कोर सप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रैम की सप्लाई देखेंगे, यहाँ पे जो कि 1.5 वोल्ट है रैम, तो इस तरीके से इसके वोल्टेज को चेक करना है। तो इसकी टेस्टिंग इसी तरीके से हो जाएगी। ये पैनल वोल्टेज है यहाँ पे जो कि 12.85 है, अब इसे स्टैंड बाई से बंद कर देते हैं, ठीक। अभी ये ओके हो गया।